ओके, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हेड के बारे में ही है। जो कल था टॉपिक वही आज है, उसी को हम लोग आगे पूरा करते हैं। ठीक है, हेड की बात कर रहे थे हम लोग। अब हेड के, हेड ऑपरेशन, हेडिंग डालिए, हेड ऑपरेशन के। हेड क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? हेड ऑपरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे, हेड इज, हेड इज यूज टू, आर ऑब्लिक डब्ल्यू को क्या बताया था हमने? रीड राइट, रीड और राइट। एक बार में एक काम होगा, जब रीड हो रहा होगा तो राइट नहीं होगा, जब राइट हो रहा होगा तो रीड नहीं होगा। ठीक है, हेड इज यूज टू रीड और राइट ऑन प्लेटर। ठीक है, और प्लेटर में क्या होता है? ट्रैक, और ट्रैक के अंदर क्या होता है? ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर। तो एक्चुअली हेड कहाँ पर लिखता है? रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है सेक्टर में। यहाँ पर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, ये यहाँ पर सेक्टर में, सेक्टर में रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही मेरी। हेलो, नहीं आ रही है कि आ रही है? आ रही है, आ रही है सर। आवाज, आपकी आवाज क्लियर है। तो भी ये दो स्टूडेंट हैं, उनकी क्लियर क्यों नहीं है? एक मिनट रुको, उनको थोड़ा सा बात करते हैं। कौन है, कहाँ गए? सरवाइस नहीं, सोनू सिंह। सर रुक रुक के आ रही है। सोनू माइक ऑन करो, थोड़ा सा नेटवर्क देखो, सही करो नेटवर्क। यहाँ से तो सही है, बाकी स्टूडेंट को भी आ रही है। ठीक है, ओके। तो हेड इज यूज टू रीड एंड और रीड राइट, रीड ऑब्लिक राइट, यानी कि रीड करता है या राइट करता है ऑन प्लैटर। प्लैटर में किसके ऊपर करेगा? ट्रैक। ट्रैक में किसके ऊपर करेगा? सेक्टर में। ठीक है, अच्छा। अब देखो, सबसे पहले अगर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर रीड एंड राइट, तो हेड को सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? हेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो सबसे पहले हेड रीच ऑन एग्जैक्ट लोकेशन। सबसे पहले वो एक लोकेशन पे पहुंचेगा। जैसे आपसे, आपको मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको अगर किसी से मिलना है, आपको किसी से मिलना है, और मिलने के लिए मान लीजिए कि आपको उसके घर तक जाना है, तो सबसे पहले आप उसके शहर जाएंगे, फिर उसके मोहल्ले जाएंगे, फिर उसके आप हाउस नंबर सर्च करके उसके हाउस नंबर पे उसके गेट पर आएंगे, फिर गेट में आप बेल बजाएंगे। जब अब आपके, जब वो सामने आएगा तब आप अपनी बात शुरू करेंगे। यानी कि इतना काम कि सबसे पहले आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचना है। ठीक है, तो पहुंचने के लिए यहां पर इसी तरह से ये भी, यहां पर भी हम कह रहे हैं कि सबसे पहला काम कि हेड क्या करेगा? हेड रीच ऑन एग्जैक्ट लोकेशन। अब एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है? एग्जैक्ट लोकेशन होती है, जैसे मान लीजिए तीन प्लेटर हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि कौन से प्लेटर पे रीड और राइट ऑपरेशन करना है। यानी कि सबसे पहला काम क्या होगा, क्या सर्च होगा? प्लेटर नंबर। ठीक है, तो प्लेटर नंबर
सबसे पहला काम। फिर उसके बाद मान लीजिए कि 1,000 ट्रैक हैं एक प्लेटर पे, या 2,000 ट्रैक हैं, या 500 ट्रैक हैं, एन नंबर ऑफ ट्रैक्स हो सकते हैं, कोई फिक्स ट्रैक नहीं होता है, ठीक है? तो फिर किस पे जाएगा? फिर जाएगा ट्रैक नंबर पे। और फिर किस पे जाएगा? एक ट्रैक पे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, तो जाएगा सेक्टर नंबर पर। ये है क्या? ये आ गई एग्जैक्ट लोकेशन, ये आ गया हमारा एग्जैक्ट लोकेशन। यही है एग्जैक्ट लोकेशन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन इज प्लैटर नंबर, ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर। ये है हमारी एग्जैक्ट लोकेशन। स्क्रीन हम कभी बंद कर देते हैं, कभी ऑन कर देते हैं, हमारा आ रहा है ना तुम्हें, कभी स्क्रीन बोर्ड आ रहा है, कभी बोर्ड नहीं आ रहा है, तो वो हम कर देते हैं खुद ही, तो परेशान ना हो। तो हेड, अभी ये स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? ये जो बोर्ड है, बोर्ड दिख रहा है? हेड रीच ऑन एग्जैक्ट लोकेशन, ये वाला बोर्ड दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? हिमांशु यादव दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो हेड को सबसे पहले रीच करना है वहां पर, यानी कि प्लैटर नंबर पर और ट्रैक नंबर पर और सेक्टर नंबर पर। जैसे ही प्लैटर नंबर, ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर पर पहुंच जाएगा, अब उसके बाद, यहां के बाद, आफ्टर इट क्या करेगा? रीड और राइट करेगा। तो पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम और चौथा काम, ये चार काम होंगे हेड ऑपरेशन में। चार काम परफॉर्म होने ही हैं। क्या? एक तो वो उस प्लेटर पे जाएगा, अगर एक ही प्लेटर है तो कोई बात नहीं, वो करंट प्लेटर पर है, यानी कि प्लेटर नंबर एक ही है तो कोई बात नहीं, एक ही है। अगर दो हैं तो एक या दो में से किसी पर होगी, किसी पर रीड या राइट करना होगा, तो वो पहले प्लेटर नंबर को सिलेक्ट होगा। तो पहले प्लेटर नंबर सिलेक्ट हुआ, फिर ट्रैक नंबर सिलेक्ट हुआ, फिर सेक्टर नंबर सिलेक्ट हुआ, और एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है, रीड और राइट करी जाती है, वो सेक्टर में से करी जाती है। सेक्टर पे पहुंच गए, अब रीड और राइट ऑपरेशन होगा। तो ये जो है, ये सिक्वेंशियल वर्क है पूरा। पहला ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर रीड और राइट ऑपरेशन। ये जो है, ये काम कैसे होंगे? ये काम सीक्वेंस में होंगे। यहाँ पर लिख लो सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस में काम होंगे। प्लैटर नंबर, ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, तब जाकर के वो रीड और राइट ऑपरेशन करेगा। अब देखो, प्लैटर नंबर, ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर पर पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे टाइम, टेकन बाई हेड टू रीच ऑन एग्जैक्ट लोकेशन इज known as, is known as seek time, is known as seek time। ये कह रहा है कि जो टाइम लगा पहुंचने में, कहां पहुंचने में, पहले एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचे, तो एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंचने में लगा हुआ टाइम, अब जैसे उसको हम सीक टाइम कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप किसी से मिलने गए, तो उसको पहले आपने उसका एड्रेस ढूंढा, फिर आप उसके एड्रेस पे पहुंचे, पहुंचने के बाद आप
अब वो आपके सामने है, यानी कि पहुंच गए एग्जैक्ट लोकेशन पे, पहुंच गए आप। तो एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंचने में जितना भी आपको टाइम लगा है अपनी रियल लाइफ में भी, किसी के घर जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, किसी शॉप पे जा रहे हैं, किसी सिनेमा हॉल पे जा रहे हैं, किसी घूमने की जगह पे जा रहे हैं, तो पहले वहां पर पहुंचते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पर। तो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने में लगे हुए टाइम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, कहा जाता है सीक टाइम, ठीक है। और एग्जैक्ट एग्जैक्ट लोकेशन का क्या मतलब होता है, ये हमने आपको यहाँ बताया। एग्जैक्ट लोकेशन का मतलब होता है कि पहले रीच ऑन प्लेटर नंबर, रीच ऑन ट्रैक नंबर, रीच ऑन सेक्टर नंबर, यही एग्जैक्ट लोकेशन है। इतना काम करने में लगे हुए समय को सीक टाइम कहते हैं। अब बताओ इतना कोई कंफ्यूजन है यहां तक सीक टाइम में, किसी को बताओ कोई कंफ्यूजन? नो, इतने में कोई कंफ्यूजन है? किसी को नहीं है। वासल अपना कैमरा ऑफ करे रहो बेटा, कैमरा आपका ऑन हो जा रहा है बार बार। ओप्पो A7 आप नो डाउट कह रहे हैं, लेकिन आपका डाउट ये है कि आप नाम अपना नहीं चेंज कर रहे हैं। आपका क्या नाम है ऐसे ही बता दी, कल से आप नाम अपने डिवाइस का रख लीजिएगा। ओप्पो A7 आपका क्या नाम है, आपके मॉडल नंबर आ रहा है इसमें मेरे स्क्रीन पे, ओप्पो ओप्पो A7। रविंद्र, अच्छा रविंद्र हो, ठीक है ठीक है। रविंद्र अपना नाम उसको ना चेंज कर लेना कल। और ये कौन है, अब लो एक और आगे, Vivo 1723 आप कौन है, रिपीट सर कह रहे हैं Vivo 1723 आपका क्या नाम है, Vivo 1723। तुम लोग यार कमाल हो, हम कहते हैं अपना अच्छा भला प्यारा सा नाम है वो रख लो, तो तुम लोग कंपनी के नाम रखे पड़े हो। कोई बात नहीं वासल, गलती गलती तो सात खून माफ होता है, पता है कि नहीं, बार बार कैमरा खोल लो, कोई बात नहीं, नेम चेंज हुआ। हाँ रविंद्र आ गया, ये कौन है भाई, वीवो वाला, वीवो अपना नाम नहीं बताया आपने। कनक सर हेड रीड एंड, कनक पूछ रही है सर हेड रीड एंड राइट ऑपरेशन में वर्क करता है। हाँ रीड एंड राइट में ही करता है, और रीड एंड राइट ऑपरेशन करने के लिए ये जहां पर पहुंचता है यानी एग्जैक्ट लोकेशन, तो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहले तो वो पहुंचेगा ना। अगर आप कोई फाइल आपकी सेव है और आपने कहा ओपन, तो अब वो हार्ड डिस्क में सेव है, तो ओपन होने के लिए तो पहले तो वो वहां चला जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचेगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने में लगे हुए समय को सीक टाइम कहते हैं, चाहे ऑपरेशन रीड का हो या ऑपरेशन राइट का हो। क्लियर है ये कनेक्ट, क्लियर है स्क्रीन, हम दिखा कहाँ रहे अभी, तो हमारा हमारा ये वीडियो दिख रहा है, हमारा चेहरा दिख रहा है कि नहीं कमलेश? ठीक है अब देखो, अब फिर स्क्रीन दिखा रहे हैं तुमको, स्क्रीन दिखा रहे हैं, परेशान ना हो। तो ये हो गया हमारे पास हमारा सीक टाइम, ठीक है। तो सीक टाइम आपको क्लियर है। अब यहां पर सीक टाइम के बाद अब ऑपरेशन कौन सा बचा, अब हमारा जो ऑपरेशन बचा हुआ है सीक टाइम के बाद वो है हमारा ऑपरेशन रीड एंड राइट। अब रीड एंड राइट शुरू होगा यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने के बाद। तो अब हम यहां पर लिखेंगे, इसको हम हटा रहे हैं, ये हमने हटा दिया, हेड ऑपरेशन में अभी वो क्या करा उसने, सीक कर लिया, यानी कि पहला वाला काम, पहला दूसरा और तीसरा ये काम हो गया। ये वर्क क्या था, ये वर्क था एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने का। तो हेड जब प्लेटर नंबर, ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर को ढूंढ लेता है तो उसी को कहते हैं एग्जैक्ट लोकेशन, जहां पे आपको डेटा को रीड या राइट कराना है, आपको क्या हेड को, ठीक है। अब करेगा नाउ,
नाउ हेड परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। ठीक है, अब हेड ये परफॉर्म करेगा और अब हमारा यहां पर पॉइंट एक और होगा, क्या टाइम टेकन टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन, रीड और राइट ऑपरेशन इज नोन एज लेटेंसी टाइम इज नोन एज लेटेंसी टाइम। ठीक है, इसको लिख लो। यहां पर ये कह रहा है कि पहला काम हेड एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा और एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंचने में लगा हुआ टाइम को कहा गया सीक टाइम, और उसके बाद जो चौथा ऑपरेशन है दैट इज कि हेड रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जब रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसको कुछ समय लगेगा, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, पीको सेकेंड, सेकेंड्स, कुछ लगेगा, मिनट, आवर, कुछ भी, एनी टाइम, टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो टाइम जो लग रहा है उसको रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने में, उस समय को कहा जाता है, इसका टर्म होता है, उस टर्म को कहते हैं लेटेंसी टाइम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हेड का लेटेंसी टाइम का मायने क्या होता है, तो आप बताएंगे द टाइम टेकन बाय द हेड टू परफॉर्म द रीड और राइट ऑपरेशन ऑन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द हार्ड डिस्क इज नोन एज लेटेंसी टाइम। अब ये लेटेंसी टाइम क्लियर है सबको यहां तक? एक चीज और बची इसमें, वो अब हम बता रहे हैं आपको। पहले ये बताइए लेटेंसी सीक टाइम और लेटेंसी टाइम क्लियर टू ऑल? सचिन शर्मा पूछ रहे हैं सर व्हाट मीन हेड इज यूज्ड टू रीड और राइट ऑन प्लेटर। ऑन प्लेटर लिख लो, रीड और राइट ऑन प्लेटर। प्लेटर का मतलब क्या है? देखो, हार्ड डिस्क इज व्हाट, हार्ड डिस्क में कंटेन वन प्लेटर और टू प्लेटर और थ्री प्लेटर। तो हेड का काम क्या होगा? हेड उसका एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि क्या करेगा, हेड पे रीड या राइट करेगा। रीड और राइट का मतलब क्या है, आप फाइल को क्या करते हैं, ऐसे समझो मोटे तौर पर आपने कुछ टाइप करा और स्टोर कर दिया, तो जब आप टाइप करके स्टोर कर रहे होते हैं तो वो स्टोर कहाँ पर जाएगा, हार्ड डिस्क पे जाएगा। ठीक है, तो हार्ड डिस्क पे, जैसे ही आप हार्ड डिस्क पे कोई भी आपने कहा, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ बायोडाटा टाइप करा, बायोडाटा टाइप करके सेव कर दिया, तो जैसे ही आप सेव करते हैं तो फौरन क्या होता है, जैसे ही सेव करा आपने तो हार्ड डिस्क पे सेव हो गया, तो ये हुआ हमारा राइट ऑपरेशन। अच्छा, अब आप 2 दिन बाद आए, आपने वो बायोडाटा को ओपन करा, जो आपने बायोडाटा बनाया था, तो वो खुल करके सामने आ जाता है। इसका मतलब हेड ने क्या करा, हेड ने रीड ऑपरेशन करा फ्रॉम द हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क में से रीड ऑपरेशन कर लिया, तो इसको हम कंबाइंडली बोलते हैं रीड ऑब्लिक राइट। यानी कि हेड एक ही काम करेगा एक बार में, या तो वो रीड करेगा या तो वो राइट करेगा। रीड का मतलब है स्टोर्ड फाइल को एक्सेस आप कर रहे हैं, जब व्हेन यूजर एक्सेस द स्टोर्ड फाइल दिस ऑपरेशन इज नोन एज रीड। इसको लिख लो, यहां पे अलग से लिख लो, व्हेन यूजर ओपन अ फाइल, जब यूजर कोई फाइल ओपन करता है, इट इज रीड, इट इज
इट इज रीड ऑपरेशन, इट इज रीड ऑपरेशन फॉर हेड. इसको आप लोग ये देख लो. अरे दिख रहा है, दिखेगा, क्यों परेशान होने लगते हो? अब दिख रहा है? अरे दिख तो रहा है, देखो, थोड़ा थोड़ा टाइम दिया करो. आए? कितनी तेज, तुम लोग कंप्यूटर से भी तेज हो. अब दिख रहा है? हाँ भाई, ज्योति दिखा? ज्योति, विकास मौर्या, दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा टाइम दिया करो भाई, तुम लोग तो एकदम कंप्यूटर मोबाइल सबसे तेज हो. तुम लोग माशाल्लाह स्पीड बहुत तेज है, वेरी गुड. ठीक है, हमारी स्पीड स्लो है और हमारे कंप्यूटर की थोड़ा देर में आता है ना. व्हेन अ यूजर ओपन अ फाइल, ये चीज ध्यान रखना. आप जब भी किसी फाइल को ओपन करते हैं, जैसे आपने अपने मोबाइल में किसी पिक्चर को ओपन करा, ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम लेगा ना खुलने में, तो इसका मतलब वहां पर रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. हालांकि मोबाइल में हेड नहीं होता है ना, प्लेटर होता है, उसमें दूसरी चीज लगी होती है, उसमें SSD लगा होता है, सॉलिड स्टेट डिवाइस. उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको. तो हेड, हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर्स में और लैपटॉप में जनरली पाया जाता है. तो हार्ड डिस्क, जब भी आप किसी भी कंप्यूटर में कोई भी फाइल को आप सेव करते हैं, तो सेव करने का मतलब है आप राइट ऑपरेशन कर रहे हैं. ये भी लिख लीजिए आप, सेव वाला भी, इसको भी लिखिए. व्हेन यूजर सेव अ फाइल ऑन डिस्क या हार्ड डिस्क, डिस्क, तो ये क्या कहलाएगा? इट इज राइट ऑपरेशन. ये क्या कहलाएगा? राइट, यानी कि W वाला ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन फॉर हेड, फॉर हेड, ठीक है, हेड के लिए ये कौन सा ऑपरेशन कहलाएगा? राइट ऑपरेशन. और जब आप ओपन करते हैं तो क्या कहलाता है? रीड ऑपरेशन. ठीक है, ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से और हेड पॉइंट ऑफ व्यू से यही होता है. हम तो ओपन कर रहे हैं, लेकिन हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन सा ऑपरेशन है? वो ऑपरेशन है रीड. हम तो सेव कर रहे हैं, यूजर तो सेव कर रहा है, लेकिन हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑपरेशन कौन सा है? राइट ऑपरेशन. हम तो डिलीट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं. अब यहां पर इसी में लिख लो, जब यूजर सेव कर रहा हो, डिलीट कर रहा हो, एडिट कर रहा हो, मॉडिफाई कर रहा हो, ये सभी हेड के लिए क्या हो जाएंगे? हेड के लिए राइट ऑपरेशन हो जाएंगे. क्लियर है ये? अब एक चीज और समझ लो यहां पर, फिर पूछेंगे, ठीक है, कि समझ में आया है या नहीं. एक चीज और लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए इसको, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ये वाला स्क्रीन डिलीट कर दें. बोलिए, ये स्क्रीन डिलीट कर रहे हैं. हेड की स्पेलिंग गलत है, हेड की स्पेलिंग सही कर लो, गलत है तो सही कर लो, अपने से सही कर लो. हमारी स्पेलिंग वैसे भी, हमारी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, तुम लोग की सही होगी, तुम लोग अपने से सही कर लिया करो और चेक भी कर लिया करो. हम बहुत गलत सलत लिखते हैं एकदम, ठीक है, इसलिए आप जो है उसको थोड़ा सा सही कर लिया करो, ठीक है. हम डिलीट कर रहे हैं इसको, ओके. यहाँ पर भी देखो ये गलत लिखा हुआ है, एग्जैक्ट क्या लिखा है, एग्जैक्ट लोकेशन 1 2 3, एग्जैक्ट लोकेशन है ये लिखा हुआ ना, ठीक है. अब एक चीज और लिख लो. अब हमें कोई ये बता पाएगा कि तुम ही लोग बताओ, तुम लोग से पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन ये है कि टोटल टाइम कितना लगेगा हेड को ऑपरेशन परफॉर्म करने में, कोई बताएगा टोटल टाइम कितना लगेगा? बताओ,
नहीं, मिली नैनो सेकेंड सेकेंड में नहीं बताना है, इसमें बताओ जो समझ में आया है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, आदर्श सीक टाइम। हाँ सीक टाइम और लेटेंसी टाइम में बताना है, बताओ टोटल टाइम क्या होगा, कोई बता पाएगा? चार ऑपरेशन परफॉर्म करे, देखो फिर से, एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ कि आपका जो है प्लैटर नंबर, ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर, इसमें लगने वाले टाइम को क्या कहा गया? सीक टाइम। और फिर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, इसमें लगने वाले टाइम को क्या कहा गया? लेटेंसी टाइम। अब हमें टोटल टाइम कोई बताएगा? हाँ ये बताया, देखो टोटल टाइम विकास मौर्या ने बताया है, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, इसको जोड़ देंगे वही हमारा टोटल टाइम हो जाएगा, ये विकास मौर्या ने बताया है। वेरी गुड, यहाँ लिखो, आपको यहाँ राइट करना है, लिखना है। टोटल टोटल टाइम टेकन बाय हेड टू परफॉर्म आर डब्ल्यू ऑपरेशन आर डब्ल्यू ऑपरेशन इज सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। दिस इज ये एग्जाम में पूछता है आपका, ठीक है? तो इस टोटल को हम बोलते हैं द टोटल इज नोन एज एक्सेस टाइम ऑफ हेड, ठीक है? टोटल को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम ऑफ हेड, ये हम टोटल को बोलते हैं। आदर्श मिश्रा, हाँ सही है, सीक टाइम प्लस लैटेंसी टाइम, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अब बताओ इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? हम आपका आदर्श, आपका हम माइक को ओपन कर रहे हैं, ठीक है? आदर्श आपके माइक को हम ओपन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक मिनट, आदर्श, आदर्श आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप बोलिए। सॉरी आकाश को कर दिया हमने, आदर्श को करना है। आदर्श, आकाश, आदर्श अपने आप को आप अनम्यूट करिए। आदर्श, आदर्श कोई क्वेश्चन कर रहे थे आप? नो डाउट सर के, ओके ओके। कोई और कुछ पूछना चाहता तो? नो डाउट सर, क्लियर है सर। एनी क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो हम उसका माइक ओपन कर दें। वासल, अरुण, आदर्श, नो डाउट, ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सोनू, सचिन, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। कनक, कोई प्रॉब्लम? विदुषी, न्यू ठाकुर, अशरफ, कोई प्रॉब्लम? अरमान, अमन अग्रहारी, आपको कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम है?
ठीक है, हाँ टाइप बताते हैं भी नेक्स्ट क्लास में। कोई बात नहीं अशरफ, आपका फर्स्ट है, फर्स्ट क्लास है अशरफ। आप जो है वीडियो देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल की, शुरू से देखते रहिए, क्लास आप ज्वाइन करते रहिए, डेली डेली नोट्स भी बनाते रहिए। नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप जब वीडियो शुरू से देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सर अगर दो प्लेटर हैं और दो हेड होगा, हाँ अब हम यही बताना चाह रहे हैं आपको, सुनिए बाप। ठीक है कोई बात नहीं, जिनका भी फर्स्ट डे है वो अपना देखो। अब हेड को आप ध्यान से ये देख लीजिए, हेड जो कि हमने आप कह रहे हैं, एक स्टूडेंट ने अच्छा क्वेश्चन कराया कि अगर दो प्लेटर हैं तो दो हेड होगा, तो बिल्कुल होगा। आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे हमने यहाँ पर आप ये देखिए, ये स्क्रीन आ रहा है आपके सामने, देखिए स्क्रीन आ रही है, प्रफुल तिवारी। आपका भी फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं, आप भी फर्स्ट से वीडियो देखिए, पहले आप चैनल को एक्सेस करिए और वीडियोस देखिए, कोई बात नहीं, क्लास को अटेंड करते रहिए। देखिए यहाँ पर आप प्लैटर्स ये देखिए, आप ये प्लैटर देख रहे हैं, ये प्लैटर आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब आप इस प्लैटर में जरा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर ये देखिए, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखिए, आपने एकदम सही कहा, यहाँ पे तीन प्लेटर दिख रहे हैं, 1 2 3। तो आप जरा हेड देखिए, एक हेड ये है, एक हेड नीचे गया हुआ है, एक हेड इधर गया हुआ है। तो जितने प्लेटर होंगे उतने हेड होंगे, ठीक है ना, हेड में जितने भी प्लेटर होंगे उतने ही इसके हेड होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ हेड। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे इसका एक रियल फोटो भी देखिए आप, रियल में अगर हमको दिखता है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें हेड दिख रहा है, हेड एक मिनट, यहाँ पर देखो, ये देखो ये रियल पिक्चर है हार्ड डिस्क का, आपको अगर दिख पा रहा हो, दिख रहा है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो, नंबर ऑफ प्लेटर कितने हैं, तीन प्लेटर दिख रहे हैं, है ना, 1 2 3। और ये देखो, ये एक हेड ये गया हुआ है, हेड हेड एक्चुअली में हेड ये है, ये हेड है, और ये वाला जो है तुम्हारा, ये जो है ये क्या है, ये है हेड आर्म, इसको हेड आर्म बोलते हैं, इस पे हेड, ये हेड आर्म है, और ये वाला जो है जो ये वाला है तुम्हारा, कहाँ गया, ये हेड आर्म हो गया, और ये वाला जो यहाँ पर, ये टिप जो है, एकदम टिप को देखना, एग्जैक्ट टिप को, ये यही तुम्हारा हेड है एक्चुअली, ये है हेड, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ प्लेटर उतने नंबर ऑफ हेड, तो ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है, ये है, और यहाँ पे देखो ये प्लेटर है, प्लेटर हमें दिख रहा है यहाँ पर, 1 2 3, थ्री प्लेटर्स हैं इसमें, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है, ये आर्म है, ये पूरा आर्म है यहाँ तक, इसके यहाँ पर जो है ये हेड है, ये एक प्लेटर ये है, एक प्लेटर ये है, एक प्लेटर ये है, इसमें भी देखो नीचे वाले में भी हेड दिख रहा है हमको पीछे, और ये इसके अंदर भी दिख रहा है हेड, ठीक है। तो और अगर आप बहुत ध्यान से आप देखेंगे इसको, तो हर प्लेटर की, प्लेटर के अपर और लोअर सरफेस दोनों पर हेड होता है, ठीक है। अभी मीटिंग थोड़ी देर में एंड हो जाएगी, बाकी आप समझ ही गए हैं, नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।